इधर आप देखेंगे ये हमारी चक्की है जो चल जा रही है, और जस्ट हमारे पीछे देखेंगे तो कोलू चल रहा है। डबल लोड का सिस्टम जो है ये चल पा 18 से 19 हज़ार भी लाता था, अभी प्रेजेंट टाइम में हम सोलर से चला रहे हैं तो ये समथिंग घट के 8 हज़ार तक आ गए, जिसमें जो है हम पर्सनल भी काम करते हैं। अभी ड्राइव इसमें आप देखेंगे 15-16 एम्पियर लोड लेके अभी प्रेजेंट टाइम में चल पा रहा है। ये प्रेजेंट चलाने में आसानी होती है कि सोलर से। सो दोस्तों, प्रयाग सोलर पावर से मैं विनय साहू आप लोगों के लिए एक और सोलर अंडर रखी का सेटअप का वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों आज अभी हम प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज के सुराव क्षेत्र में, एक जो पड़ता है अकारीपुर गाँव पड़ता है, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट टाइम में है। और आज हम आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि सोलर से डायरेक्ट आटो चक्की में कैसे काम कर रही है, उनका स्पेलर कैसे चल पा रहा है, कितने एचपी की मोटर लगी हैं, कितने पैनल लगाए गए हैं, और आखिरकार वास्तव में सोलर लगाने से बचत होती है नहीं होती है कस्टमर से भी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं, मतलब पैनल की क्वालिटी से लेकर के वोल्टेज एम्पियर तक का सारी जानकारी आपको हम जो है इस पूरे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आइए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे जो छत पर हमने इनके लगा रखा है सोलर सिस्टम, कितना एरिया कवर्ड किया गया है उस सोलर सिस्टम द्वारा, कितने पैनल लगाए गए हैं, कितने किलोवाट का सेटअप है, सारी जानकारी आपको देंगे। उसके साथ ही उसके बाद हम आपको यहाँ पर जो लोड हमारा चल पा रहा है प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली ये हमारा सेटअप है जो लगा हुआ है सुराव प्रयागराज में। यहाँ पर जो पैनल्स लगाए हैं हम आपको क्वालिटी दिखा देते हैं और बता देते हैं इसके बारे में, फिर चलते हैं नीचे आपको हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यहाँ पर जो पैनल्स लगाए गए हैं ये 32 पैनल है दोस्तों, जो 575 वाट का एक पैनल है और 32 मेडूल है यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी आपको हम डाटा शीट दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों अगर आप 32 पैनल लगा रहे हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एरिया जो कवर्ड हुआ है उस कोने तक कवर्ड हुआ है, मतलब ये 40 फीट जो है पूरा पश्चिम और 20 फीट जो है उत्तर दक्षिण लिया गया है, मतलब 800 स्क्वायर फीट का जो है एरिया यहाँ पर कवर्ड हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बात करें फ्रेमिंग की, स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर जो पैनल लगाए गए हैं जीआई फ्रेम पे लगाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा जीआई फ्रेम है, 2.2 हॉट डिप जीआई फ्रेम होता है जो जीआई नटबोल्ट पर पूरा का पूरा टाइट किया रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जीआई फास्टनर से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो टाइट किया गया है और बेहतर तरीके से पूरा जो है पकड़ जो है मजबूत जो है वो बनाए रखा है इस पूरे सिस्टम में। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर पैनल की क्वालिटी का, उससे पहले यहाँ पर हम दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं आप ये जो वायरिंग की गई है अंडर कंड्यूट पाइप में वायरिंग की गई है और ये DC-DB है दोस्तों, 2-in-1 का DC-DB बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 2-in-1 का DC-DB बॉक्स है और यहाँ पर आप देखेंगे तो वायरिंग सोलर वायर दिख जाएगा आपको, अर्थिंग वायर दिख जाएगा, और यहाँ पर जो है पूरी सेफ्टी के साथ कंड्यूट पाइप में पूरी की पूरी वायरिंग जो है वो आपको दिख जाएगी। साथ ही साथ बात करें पैनल्स की तो यहाँ पर मैं आपको एक बार डाटा शीट इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो बाईफेसियल मेडूल लगे हैं टॉपकॉन के, यहाँ पर आप देखेंगे इसका डाटा शीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पैनल है जो यहाँ पर लगाया गया है। और इसका अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एफिशिएंसी दिख जाएगी, देख पा रहे हैं 22.30% है, मतलब लगभग 22.5% इसकी एफिशिएंसी आपको दिख जाएगी। ये नॉर्मली पैनलों में आपको जो है 20% 21% दिखने वाली है। एक बार मैं अगर आपको फ्रंट से दिखाऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है पैनल है जो यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड अभी छांव पड़ रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेहतर जो है लगभग 4-5 पैनल पे हमारे छांव आ रही है अभी के टाइम में, फिर भी इनका डबल लोड का सिस्टम जो है वो चल पा रहा है। बहरहाल यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइटिंग रेस्टर आपको दिख जाएगा, देख पा रहे हैं आप एक लाइटिंग रेस्टर आपको दिख रहा है। और पैनल की स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ पर पैनल्स काफ़ी गंदे भी है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा यहाँ पर अगर सफाई की जाए इस तरीके की तो यहाँ पर कुछ पैनल जो है वो साफ़ होते दिखेंगे आपको। मतलब ये है कि पूरा जो पूरा सेटअप है वो बेहतर मेडूल होने की वजह से जो है थोड़ा सा गंदा होने पर भी, थोड़ा सा छांव पड़ने पर भी एक बेहतर एनर्जी जनरेट करके आपको दे देता है। तो इस वजह से जो आप अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल ही आप अपने यहाँ लगाएं जिससे आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सही चल पाए। तो आइए चलते हैं आपको हम लोड दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो कस्टमर हैं उनका भी हम रिव्यू ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमने पैनल्स की क्वालिटी दिखा दी, कैसे यहाँ पर पैनल्स लगाए हैं, कितना एरिया कवर हुआ है इस सोलर सिस्टम लगाने में, कितने किलोवाट का सिस्टम है और कैसे यहाँ पर लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, मतलब इतना जो भारी भरकम सेटअप लगाया गया है उससे आखिरकार क्या क्या चल पा रहा है और कितना चल रहा है और क्या परफॉर्मेंस निकल के आ पा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे ही इंटर करेंगे इस पूरे कारखाने में दोस्तों, तो यहाँ पर हमको दिखेगा एक चक्की, देख पा रहे हैं इधर जो चल रही है चक्की, इधर आप देखेंगे ये हमारी चक्की है जो चल जा रही है और जस्ट हमारे पीछे देखेंगे तो कोलू चल रहा है। डबल लोड का सिस्टम जो है ये चल पा रहा है। फिलहाल की बात किया जाए चक्की की, यहाँ सबसे पहले हम आपको चक्की दिखाते हैं जो आप देखेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं लोड दिखा दो आप, ये 18 इंच चक्की है जो काफ़ी पुरानी चक्की है और अभी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट सोलर से चल पा रही है। एक बार क्वालिटी दिखाइए भैया, तो
बार क्वालिटी देख लेते हैं हम कैसे यहाँ पर जो सिस्टम है वो चल पा रहा है और क्या क्वालिटी निकल रही है डायरेक्ट टू सोलर पैनल से, क्या लोड चल रहा है। दोस्तों ये सिंगल लोड का अभी इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप बेहतर ढंग के आटे की क्वालिटी जो है वो भी बढ़िया निकल जा रही है। भैया क्वालिटी वगैरह सही निकल रही है? बिल्कुल बिल्कुल महीन आटा। पर घंटे क्या हो रहे हैं? डेढ़ क्विंटल समथिंग जी। पर घंटे आपका सवा डेढ़ क्विंटल चल जा रहा है जी? जी आराम से निकल रहा है। अभी ये कितने इंच चक्की है आपकी? 18 इंच की। 18 इंच चक्की है तो डायरेक्ट सोलर से भी चल रही है? जी डायरेक्ट सोलर चल रही है। देख पा रहे हैं ये है, अभी हम आपको दूसरा लोड उधर चल के दिखाएंगे। उससे पहले आपको हम यहाँ पर आइए आपको दूसरा लोड दिखाई इधर आपके आइए हम दिखा देते हैं। ये बीएफडी ड्राइव है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बीएफडी ड्राइव है, इसमें आप देखेंगे 15-16 एम्पीयर लोड लेके अभी प्रेजेंट टाइम में चल पा रहा है। ये प्रयाग सोलर पावर का इंस्टॉलेशन है। अगर हम थोड़ा ओपन करके दिखाएं, ये सीजी पावर की ड्राइव लगी है जो ऑटो ग्रिड ड्राइव है। यहाँ पर आप देखेंगे एमसीबी वगैरह दिया गया है, ऑटो ग्रिड ड्राइव है। इसका क्या बेनिफिट होता है इसका हमने कई सारे वीडियो में कवर भी किया हुआ है जो आपको हम दिखाते रहते हैं। फिलहाल की बात किया जाए तो आ जाइए आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं दूसरा लोड क्या चल पा रहा है। एक लोड आपने देख लिया यहाँ पर गेहूँ की जो है पिसाई चल जा रही है। दोस्तों दूसरा लोड हमारा ये है कोलू का है, यहाँ पर सरसों की पिराई चल जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेहतर की जो सरसों की पिराई है मतलब सर तेल की पिराई है वो हो पा रही है। और ये 6 वोल्ट का कोलू है जो अभी डायरेक्ट सोलर पैनल से चल पा रहा है। हमारे साथ भैया हैं, तो भैया अब ये सोलर चल रहा है? सोलर चल रहा है? हाँ जी सोलर चल रहा है। अच्छा पर घंटे क्या हो रहा है? 40 किलो। 40 किलो हाँ। सोलर से क्या क्या चल जा रहा है आपका? दो लोड गेहूँ सरसों। गेहूँ और सरसों? हाँ हाँ दोनों। बढ़िया चल जा रहा है? हाँ। इंजन से चलाने में आसानी होती है कि सोलर से? सोलर से। देखिए पा रहे हैं आप ये लोड है जो अभी प्रेजेंट टाइम में डबल लोड इनका जो है वो चल जा रहा है। मैं आपको एक बार मोटर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर मोटर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो मोटर लगाई गई है यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे, यहाँ पर आप समझ सकते हैं पहले इनके पास दो दो इंजन था तो इंजन से भी ये चलाते थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल ये मोटर चला रहे हैं। मोटर मेरा दिखाने का मोटिव यहाँ पर आप देखेंगे, मोटर देखते हैं कितनी पुरानी मोटर है ये, काफ़ी बड़ी बॉडी में आपको दिख रहा होगा। जाहिर सी बात है पहले की जो पुरानी मोटरें होती थी वो काफ़ी पुरानी होती थी और काफ़ी बड़ी बॉडी में होती थी जो अभी चल पा रहे। बहुत सारे लोगों के आपने सुना होगा वीडियोस में देखा होगा भैया पुरानी मोटर है पता नहीं सही चले ना चले, तो अगर आप पुरानी मोटर लगाएं, अगर आप सही मोटर है तो आप पुरानी मोटर से भी चला सकते हैं। नई मोटर लेने की आवश्यकता अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मत लीजिए, आप चलाइए। अगर अच्छी मोटर होगी मतलब अगर ओवरलोड नहीं चल रही होगी तो आपका मोटर जो है इसी से चल जाएगा। तो आइए अब ओनर से जानते हैं इस प्लांट के, उन्होंने सोलर लगाने से कितना इनकम जनरेट कर पाए अभी तक, पर मंथ क्या इनकम जनरेट हो पा रही है, वास्तव में सोलर लगाने से कुछ फ़ायदा है, कुछ लगाने लायक चीज़ें हैं या नहीं है, सारी चीज़ें हम आइए इस इनके कस्टमर जिनके हमने लगाया था इस प्लांट के ओनर से हम जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमने दिखाया क्या सिस्टम लगा हुआ है, कैसे काम कर रहा है, कितने पैनल लगे हैं और कौन से क्वालिटी के पैनल हैं, क्या परफॉर्मेंस है, पैनल से परफॉर्मेंस तक की जानकारी तो आपको हमने इस वीडियो में दे दी। अभी है इस प्लांट के ओनर से जानकारी लेने की बारी कि भैया हम जो ये प्लांट लगाए थे इससे क्या इनकम इनका जनरेट हो पा रहा है और क्या वास्तव में लगाने से फ़ायदा, फिर सारी इधर उधर की बातें हैं तो जानते हैं आइए समझते हैं इनसे। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बताइए, क्या पड़ता है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है जी। मैं प्रयागराज सुराव से हूँ, ये गांव अकारीपुर पड़ता है। अच्छा गांव अकारीपुर पड़ता है और सुराव आपका क्षेत्र लगता है। अच्छा तो आपके यहाँ कितने पैनल लगे हुए हैं? ये 32 पैनल लगे हैं। 32 पैनल लगे हैं जी। कितने वाट के? ये 575 वाट के 32 पैनल। 575 वाट के मतलब वही टॉपकॉन बाईफेसियल आपके यहाँ 32 पैनल लगे हुए हैं, जिससे अभी आप क्या क्या चलाते हैं? अभी हम आटा चक्की चलाते हैं सो और तेल मशीन चलाते हैं। तेल मशीन चलाते हैं जी। आटा चक्की और तेल मशीन आप चलाते हैं? अच्छा आपका सिस्टम लगे कितने महीने हो गए, मतलब कितने दिन या महीने? समथिंग या 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीना पुराना आपका ये सेटअप हो चुका है जब से आपने लगाया? तो बात करें 2 महीना पहले, ठीक है 2 महीने के पीछे हम जाते हैं कि 2 महीने पहले आप कैसे चला रहे थे और अभी 2 महीने के बाद में क्या अंतर समझ में आ रहा है? ये 2 महीने पहले हम लाइट से चलाते थे जिसमें समथिंग 18-19 हज़ार बिल आता था। अभी प्रेजेंट टाइम में हम सोलर से चला रहे हैं तो ये समथिंग घट के 8 हज़ार तक आ गए जिसमें जो है हम पर्सनल भी काम करते अपना। अच्छा जी मतलब ये है कि आपका जो है लगभग 18-19-20 हज़ार तक का बिल आता था जो आप चलाते थे पहले जब आप डायरेक्ट लाइट चलाते थे, और अभी आप जब से आपने सोलर लगाया आपका बिल जो है लगभग आधा हो गया है, राइट? यही है ना जी, बिल आधा हो गया है। पर्सनली जो है हम अपना काम रात में जो है करते ही, इस वजह से बिल हमारा कुछ जनरेट हो रहा है। अच्छा मतलब ये है कि आपका बिल जो है आप रात में भी काम करते हैं, जाहिर सी बात है रात में काम करेंगे, दिन में भी ज़्यादा टाइम धूप नहीं उस टाइम पे काम करेंगे तो लाइट का बिल आएगा आपका, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो बोझ था वो आधा हो गया, राइट? ये है कि आपके यहाँ
इससे बहुत सारे लोग रहते हैं भैया, डरते हैं कि भैया, एक अहम सवाल ये भी रहता है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सोलर लगाने में बहुत ज़्यादा ही पैसा आ रहा है, उतना हमारा इनकम नहीं जनरेट हो रहा है। आप इस सवाल को कैसे देखते हैं, आप आपकी क्या इस पर राय रहेगी? नहीं, राय का मतलब ये कि ये सबसे बेहतर प्लान है ये। सोलर की बात करें तो ये लाइट से बेहतर पड़ रहा है, बहुत बेहतर पड़ रहा है। अच्छा, ये किन चीज़ों में बेहतर पड़ रहा है आपको? अब लाइट से क्या है कि जिस हिसाब से बिल आता था, डीजल जलता था, उस हिसाब से बहुत इसका रिस्पांस आ रहा है। अच्छा जी, मतलब आप पहले लाइट चलाते थे, डीजल भी चलाते थे? समथिंग 12 से 15,000 का डीजल जलता था। अच्छा, महीने भर का? जी। तो आपका अच्छा खासा बिल खर्च चला जाता रहा होगा फिर। अभी के टाइम में आपका लगभग जो है आधा आपका सेव हो रहा है जी? अभी के टाइम में आधा सेव हो जा रहा है ना अभी? अच्छा, तो आपके यहाँ जो सिस्टम ये लगाया गया था, ये आप प्रयाग सोलर पावर से इंस्टॉलेशन कराए थे, ठीक है, तो आपका उनसे जुड़ना कैसे हुआ, प्रयाग सोलर पावर से कैसे आप जुड़े और क्या क्या प्रोसेस हुआ? एक हमारे मित्र हैं यहीं पास के ही हैं। अच्छा। उनसे उनके जरिए पता चला जो है कि वो भी सोलर से चलाते हैं। अच्छा। तो उनका प्लांट हम देखने गए एक दिन, तो पता चला कि वो डबल लोड भी वो चला रहे हैं, तो उनके जरिए प्रयाग सोलर पावर का जो है आपका पता चला, नंबर मिला, कॉन्टैक्ट मिला, तो फिर आपसे हम बात किया। अच्छा, तो फिर आपके जरिए फिर जो है ये। अच्छा, आप मतलब एक साइड विजिट की, सुझाव दिए भैया यहाँ से आप बात कर लीजिए, फिर आप प्लांट हमने देखे भी हैं। अच्छा, चलते हुए। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर ये इंस्टॉलेशन का काम किया। अच्छा, लगाने से पहले इस बात का इशू तो आया होगा ना कि पता नहीं हम जो लगा रहे हैं कर रहे हैं, पता नहीं रिकवर हमारा होगा, पता नहीं अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर फंसने जैसी बात ना का कोई? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। बिल्कुल। जब तक हम देखेंगे नहीं जानेंगे नहीं। और हम कई प्लांट जब तक हमें लोगों ने बताया कि जो है ये लगा लो, सोलर लगा लो, अच्छा रिस्पांस रहेगा, तब तक हम विश्वास नहीं करते थे। अच्छा। और फिर जब हम आपके जरिए हमें पता चला, 3-4 प्लांट हमने चलते हुए देखे हैं डबल लोड पे, तो उसके बाद फिर हमारा कुछ विश्वास बढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है इस पर काम किया। अच्छा, मतलब आपने पहले आप लोगों को बताते थे कि भैया सोलर चल जाएगा, तो आपको भरोसा नहीं होता था कि भैया पता नहीं फंस जाए पैसा, ठीक है। तो अभी के टाइम में जब आपने देखा चलता हुआ, तब आपको लगा कि भैया नहीं चल सकता है, हमारा जो खर्च है वो कम हो सकता है सोलर में। अच्छा, जब से लगाया अपने गल्ले पे, क्वालिटी पे ऐसा कोई प्रभाव या फिर कस्टमर पे कोई प्रभाव ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कोई खास प्रभाव नहीं है। क्वालिटी वगैरह क्वालिटी सेम है, सेम क्वालिटी जी। जैसे आप लाइट चलाते थे? लाइट से चलाते तब भी वही क्वालिटी थी और आज भी वही क्वालिटी है। अच्छा, क्वालिटी में दिक्कत तो नहीं है? जैसे बहुत सारे लोग हमारे जो हैं डरते हैं भैया पता नहीं लगाने के बाद क्वालिटी खराब आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अच्छा, आपके यहाँ जो मॉड्यूल लगाया गया है, जो आप यहाँ काम किया गया, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? मतलब लगता है कि आपको जेन्युइन काम हुआ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका ये केस फाइनेंस हुआ था? जी जी, फाइनेंस हुआ जी, फाइनेंस करवाया था। अच्छा, तो आपके यहाँ जो फाइनेंस होकर के, मतलब फाइनेंस की भी सुविधा आप लिए हैं प्रयाग सोलर पावर से, और बेहतर सिस्टम, अभी के टाइम में आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को जो लोग लगाने की सोच रहे हैं, या फिर जो सोलर के बारे में अभी सोच ही रहे हैं, उनके मन में भी थोड़ा सा डर चल रहा है, उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? ये हमारा कहना यही है कि जो लोग लाइट से चला रहे हैं वो एक बार इसको जो है प्लांट को चलते हुए देखें, फिर उसके बाद जो है अच्छा, इसके बारे में सोचें, ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहा है, मतलब भरोसा किया जा सकता है जी। बिल्कुल, बढ़िया जी। चलिए, आप फिलहाल संतुष्ट हैं, आप अपनी बात रखिए, आप हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, मतलब आपका संतुष्ट होना ज़रूरी है, आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। अच्छा भैया, थैंक यू आपका। जैसे कि दोस्तों, आपका यहाँ पर जो सेटअप लगा हुआ है हमारा, ये प्रयागराज जिला का ही सुराव क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से आप सिकंदरा रोड, अगर जो लोकल के होंगे, अगर प्रयागराज के होंगे को पता होगा, प्रयागराज से यहाँ सुराव से एक सिकंदरा रोड जाती है, जो सिकंदरा रोड जो सुराव से निकली हुई है, तो वहाँ से 1 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो आपको अकारीपुर पड़ जाएगा, जहाँ पर ऑन रोड, रोड के जस्ट बगल में ही इनका ये जो लगा हुआ सेटअप है ये आपको दिख जाएगा। अगर आप आस पास के हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं जेन्युइन चीज़ें जो हैं। तो अगर आपको भी अपने यहाँ बेहतर ढंग का सोलर सिस्टम लगाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जानकारी लेकर अपने यहाँ इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। देखिए, बचने बचाने की बात, प्रॉफिट की बात, ये सारी चीज़ें हमने तमाम वीडियो इस पर बना रखा है, पहले से कितना बच रहा है, किसका कितना नहीं बच रहा है, जाहिर सी बात है आपके यहाँ जितने कस्टमर आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना पैसा बच जाएगा। बात रही चलने की, तो वो आप देख ही रहे हैं, सेटअप बहुत सारे हमारे इसी चैनल पर आपको 700-800 वीडियो मिल जाएंगे जिनके चलते हुए लाइव प्रूफ हैं, तो आप देख पा रहे हैं। फिर आप चाहे किसी भी ज़िले से हो, यूपी के हर ज़िले में लगभग हमारी साइटें लग चुकी हैं, तो आप किसी भी ज़िले से हैं जाकर विजिट कर सकते हैं। ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं आपको कि आपका जो बिज़नेस है, अगर आपको ग्रो करना है, चक्की वगैरह में या फिर कोई फैक्ट्री हो, कमर्शियल काम हो, कुछ भी हो, आपको अगर ग्रो करना है तो सोलर के साथ में अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो है बिज़नेस जो है वो डेफिनेटली जो है
वो ग्रो करने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, अपने यहाँ फ्री सर्वे करा सकते हैं और अपने यहाँ आप सेटअप भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लोगों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।